नमस्ते दोस्तों, कक्षा सातवीं विषय हिंदी घटक पाँच बंदर का धंधा। बंदर का धंधा इस कविता के रचनाकार हैं जो प्रसिद्ध मनोज्ञान के संदर्भ में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने बालोपयोगी साहित्य के द्वारा इस जगत को मनोविज्ञान के माध्यम से बहुत ही रचनाएं दी है। उनका नाम है नरेंद्र गोयल। नरेंद्र गोयल जी ने प्रस्तुत कविता के अंदर वन औषधियों से पारंपरिक उपचारों का हमारे सेहत पर होने वाले प्रभाव का बहुत ही मार्मिक ढंग से हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो आज हम बंदर का धंधा इस कविता के अंदर उसका स्पष्टीकरण, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, समझ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जंगल में बहुत से जानवर होते हैं, प्राणी रहते हैं। ऐसे प्राणी में बंदर अपने जो परिचित रहता है, हमें उसके संदर्भ में जानकार रहती है। ऐसा है बंदर, ये बंदर को जंगल में घूमते घूमते एक टूटा फूला एक आला मिलता है। टूटा फूटा आला मिलने के बाद वो खुशी और मेज लाकर अपना एक अस्पताल सा छोटा सा निर्माण करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आला यानी का अर्थ होता है जो वैद्य यानी डॉक्टर मरीज को चेक करने के लिए उसका इस्तेमाल करते, उसका नाम है स्टेटोस्कोप। तो ऐसे आले को लेकर मरीजों को परीक्षण करने के लिए बंदर जंगल में कुर्सी और मेज डालकर बैठता है और उसके सामने सबसे पहले मरीज आता है। उस मरीज का नाम है भालू। तो भालू को शिकायत क्या है? तो भालू को शिकायत है जुकाम और खांसी की। तो कहता है भालू बंदर से, अपने वैद्य से, कि मुझे जुकाम और खांसी है, इसे मिटाना है, मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा है। तो बंदर उसे कहता है, मेरे प्यारे मरीज, तू सवेरे शाम तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ दोनों को मिलाकर पानी में उबालना और उसे सुबह शाम लेना। सुबह शाम लेने से तुम्हारा जुकाम और खांसी छुबंतर हो जाएगी। तभी मुझे फिर देना, आप मुझे फिर देना। आपके सेहत पर जब आराम गिरेगा, आपको आराम मिलेगा, तभी मेरी फिर देना। तो दूसरी मरीज आती है जो अपने घर में म्याओ 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 करती है। सबसे अपने नजदीकी परिचित है वो, उसका नाम है बिल्ली। तो बिल्ली अपने घर बंदर के वैद्य के पास आती है। तो बिल्ली की शिकायत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बिल्ली की शिकायत है, बिल्ली को 104 अंश सेल्सियस का बुखार है। तो बुखार से वो बहुत पीड़ित है। ऐसी बिल्ली बंदर से कहती है कि मुझे 104 अंश सेल्सियस का बुखार है, उसे खत्म करना है, नष्ट करना है, तो क्या करे? तो उसके सिवा मैं शिकार पर नहीं जा सकती है, पेड़ पर से उतर नहीं सकती है, बहुत ही उलझन मेरे मन में, मेरे शरीर के अंदर निर्माण हुई है। ऐसा बंदर से बिल्ली कहती है। तो बिल्ली बंदर से कहती है अपनी शिकायत के बारे में। तो शिकायत अपना वैद्य सुन लेता है, उसके उपाय सुझाव उसे सुनाता है कि आप जो पत्ते होते हैं, जो पत्ते उसे पानी में डालकर